प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम बीजगणित के एक बहुत ही उपयोगी नियम पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है योगांतर नियम। तो एलजेब्रा के अंदर या गणित की और ब्रांचेजों के अंदर इस नियम का बहुधा प्रयोग होता है। तो पहली बात तो यह है कि नियम कब लगाया जाता है, दूसरी बात यह है कि इस नियम को किस प्रकार से लगाना चाहिए, कितनी तरीके से लगा सकते हैं। एक देखिए, ऐसा है यदि दो भिन्न हमारी बराबर के निशान से यूक्टेड हैं, बराबर के निशान में लगी हुई हैं, तो LHS में हमारा लिखा हुआ है P अपॉन Q, RHS में लिखा है A अपॉन B। क्लियर? तो ये तो हमारे LHS का अंश है और ये LHS का हर है, ये RHS का अंश है, ये RHS का हर है। अब हम जब इसमें योगांतर नियम लगाएंगे, तो यदि आप योगांतर नियम न लगाना चाहें तब भी जो आपका प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आप योगांतर नियम लगाना चाह रहे हैं, उसको आप कैची की गुणा करके भी, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, उससे भी उसको हल कर सकते हैं। लेकिन उससे हल करने में कभी कभी समस्या पैदा हो जाती है, सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। योगांतर नियम लगाने से वो सवाल काफ़ी सरल हो जाता है। तो आइए अब हम आपको समझा रहे हैं। इस योग अगर मान लीजिए दो भिन्न इस रूप में लिखी हुई हैं बराबर के निशान से, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो देखिए ऐसा है, इसमें हम योगांतर नियम चार प्रकार से लगा सकते हैं, पहला प्रकार, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए इसमें हमने लिखा LHS में, LHS का हमने लिखा ऊपर अंश प्लस हर, तो इधर भी हमें RHS में जो है पहले उसका अंश लिखेंगे फिर प्लस हर लिखेंगे। तो इधर लिखा हमने P प्लस Q, तो इधर लिखेंगे हम A प्लस B। अब ऊपर हम जब प्लस लिख चुके हैं तो नीचे फिर माइनस लिखना पड़ेगा, तो नीचे हम लिखेंगे P माइनस Q। तो इधर हमने P माइनस Q लिखा, इसमें इसका अंश माइनस इसका हर, तो इधर लिखेंगे इसका अंश माइनस इसका हर A माइनस B। यदि आप यहाँ पर Q माइनस P लिख दें तब भी एक बार को सही हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा नहीं है। जैसा आपने ऊपर लिखा, जो आपने पहले लिखा अंश में, वही आप हर में पहले लिखिए, एक सिमेट्री बना लेते हैं, उस सिमेट्री से सवाल को करने में काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस लिया अंश और हर का ऊपर, पहले हमने अंश लिखा बाद में हर लिखा, हर में क्या लिया माइनस, तो पहले हमने अंश लिखा बाद में हर लिखा, तो हमारा बना P प्लस क्यू बटे P माइनस क्यू। अब जैसा हमने इधर लिखा LHS में, वैसा ही बिल्कुल हम RHS में लिख देंगे, अर्थात अंश प्लस हर, अंश माइनस हर, अर्थात A प्लस B बटे A माइनस B। अब यदि मान लीजिए हमने देखा कि इससे सवाल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इस ये हम पहले विचार करते हैं कि हमें इन चारों नियमों से कौन से नियम लगाना चाहिए प्रश्न को हल करते समय। या अब देखिए दूसरी तरह से आप लगाना चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं LHS का अंश माइनस हर, तो इधर भी आप लिखेंगे RHS का अंश माइनस हर। जब आपने माइनस ऊपर लगा दिया, अंश माइनस हर कर दिया, तो नीचे करेंगे आप अंश प्लस हर, तो इधर भी आपको करना पड़ेगा अंश प्लस हर, अर्थात P माइनस क्यू इधर करा बटे P प्लस क्यू करा, तो इधर आपको करना पड़ेगा A माइनस B बटे A प्लस B। आपने देखा कि अगर प्रश्न में अंश को पहले लिखा जाए या तो आपने ये नियम लगा दिया, आपने देखा हर को पहले लिखने से सुगमता पड़ेगी, तो आप इस नियम को किस प्रकार से लगाएंगे, हर प्लस अंश बटे हर माइनस अंश। तो आपने इधर जो नियम लगाया बिल्कुल वही नियम इधर लगा दीजिए, अर्थात अंश हर प्लस हर, हर प्लस अंश बटे हर माइनस अंश, अर्थात ये हो गया आपका क्यू प्लस पी बटे क्यू माइनस पी बराबर बी प्लस ए बटे बी माइनस ए। अब आपने देखा, मान लीजिए आप प्रश्न को हल कर रहे हैं और आपने हिसाब लगाया कि इसमें ऊपर जो है अंश में माइनस लगाने से लाभ रहेगा, तो आप इस प्रकार से लगाएंगे क्यू माइनस पी बटे क्यू प्लस बी, अर्थात हर माइनस अंश बटे हर प्लस अंश, तो इधर भी करेंगे आप हर माइनस अंश बटे हर प्लस अंश, अर्थात क्यू माइनस पी बटे क्यू प्लस पी बराबर बी माइनस ए बटे बी प्लस ए। तो प्रश्न के हिसाब से जब हम सवाल को करते हुए, किसी प्रश्न को करते हुए यहाँ पर आ गए और फिर हमें उसमें कंपोनेंटों डिवाइडेंटों के नियम लगाना है या योगांतर नियम लगाना है,
तो युगांतर नियम लगाने से पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि इन चार फॉर्मों में से किस फॉर्म में लगाने से हमारे लिए सुविधा रहेगी, उसी फॉर्म में आप नियम लगाएंगे। अब आपको हम एक उदाहरण देकर इस बात को समझाने का प्रयास और कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये प्रश्न जो आपको हम समझा रहे हैं इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इसके और बहुत सारे सरल तरीके हैं उनसे करना चाहिए, लेकिन चूंकि एग्जाम्पल्स हमें देना है और हम हाई स्कूल के छात्रों के स्तर से वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा ही प्रश्न लिया है जो हाई स्कूल के स्तर के हिसाब से छात्रों को समझ में आ जाए। तो मान लीजिए आपको करते करते प्रश्न को हल करते करते आप आ गए cos 2a बराबर 1/2। मान लीजिए आप किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और आप करते हुए यहाँ पर आ गए लास्ट में cos 2a बराबर 1/2। अब इसकी सहायता से आपको tan a का मान निकालना है, तो tan a का मान जो हम निकालना आपको बता रहे हैं योगांतर नियम विधि से, इस सवाल को उस तरह से नहीं करेंगे। वैसे तो इस सवाल को हम ऐसे कर देते, बहुत सरल पड़ जाता, cos 2a बराबर 1/2, यहाँ पर लिख देते हम cos 60, और क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है तो ये हो जाता हमारा cos 2a, इससे 2a बराबर हम कंपेयर करते तो हमारा आ जाता 60 अंश, और इससे a बराबर आ जाता हमारा 30 अंश। अब मान लीजिए हमें tan a का मान निकालना है, तो हमारा tan a बराबर आ जाता tan 30, और tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है, तो इस प्रकार से आपका tan a का मान आ गया। तो आप इस प्रश्न को इस तरह से न करें, इसी प्रकार से करें। यह प्रोसीजर तो आपको हमने कंपोनेंटो डिवाइडेंटो युगांतर नियम को स्पष्ट करने के लिए समझाने का प्रयास किया है, इस नियम को आप प्रयोग इस प्रश्न के अंदर न करें, और बहुत सारे प्रश्न को अंदर इसका नियम करा जाएगा जहां पर कि प्रयोग करेंगे, जहां पर कि इस नियम को लगाने में सुविधा होगी। देखिए, अब हमारा आता है cos 2a बराबर 1/2, तो जब इसके हर में कुछ नहीं है तो एक होगा, क्लियर। अब हमने क्या किया, इसमें हमारा अंश है cos 2a और हर है हमारा 1, और यहाँ पर अंश में है हमारा 1 और हर है 2, अर्थात यहाँ पर p का काम तो हमारा cos 2a कर रहा है और q का काम 1 कर रहा है, यहाँ पर a का काम 1 कर रहा है और b का काम 2 कर रहा है। अब चूंकि हमें tan a का मान निकालना है तो इसमें ज़रा पहले विचार करना पड़ता है आपको कि हम कौन से फार्मूले से लगाकर टैन ला सकते हैं। टैन हमारा तब मिलेगा जबकि ऊपर साइन आए नीचे कॉस आए, तो इसमें हमने ये नियम लगा दिया क्यू माइनस पी अपॉन क्यू प्लस पी बराबर वी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। हम योगांतर नियम के आपको चार जो तरीके बताए थे उस पे से हम ये वाला तरीका लगा रहे हैं। तो देखिए, ये तो हर रहा, तो यहाँ पे कर दिया हर माइनस अंश और नीचे कर दिया हर प्लस अंश, तो जब जो काम हमने इधर करा वही इधर करना पड़ेगा। यहाँ पर हर 2 है तो 2 माइनस 1/2 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया आर एच एस में, 1 तो ये आ गया अंश में, और 2 प्लस 1 3 हो गया, आर एच एस के हर में 3 आ गया। अब देखिए, आप इस cos 2a में आइडेंटिटी लगा दी, cos 2a बराबर होता है 2 cos² a - 1, तो इसके स्थान पर लिख दिया हमने 2 cos² a - 1, इस माइनस 1 से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और इस cos 2a में हमने आइडेंटिटी लगाई cos 2a बराबर होता है 1 - 2 sin² a, तो इसमें हमने लगाया 1 - 2 sin² a। ब्रैकेट से पहले घटाने के अनुसार ये वाला लगा हुआ है, आपका 1 ये लिखा हुआ है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का 1 रहा, ये माइनस रहा, ये इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। फिर नई लाइन में लिखेंगे हम 2 sin² a / 2 cos² a, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए, एक बात और आपको बताएं, बहुत से छात्र क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर कैंसिल करना गलत है, कायदे में इसको आप पहले एक स्टेप ये लिखिए उसके बाद इसको कैंसिल करिए। आप जानते हैं sin a / cos a = tan a होता है, तो यहाँ पर sin² a / cos² a है, तो ये 10² के बराबर हो गया और आर एच एस में आ गया आपका 1/3। अब आपको चूंकि 10 a की वैल्यू निकालनी है इसलिए आपको दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 10 a बराबर वर्गमूल 1/3। अब 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और 3 का वर्गमूल ले नहीं पाएंगे, इसको हम लिखा हुआ ही हमारा वर्गमूल 1/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल 1/3।
एक का वर्गमूल एक ही आता है, तो एक बटे वर्गमूल तीन ही आ गया हमारा। तो इस प्रकार से टेन ए का मान एक बटे अंडर रूट तीन आ गया, और हमने आपको उसका आधे से निकाल के दिखाया था, उसका आधे से भी टेन ए का मान एक बटे अंडर रूट तीन आएगा। लेकिन अगर प्रश्न ये है कि आपका ये दिया हुआ है और टेन ए का मान निकालिए, आपको दिया है कॉस टू ए बराबर वन बटे टू और आपसे टेन ए का मान निकलवाए, तो आप इस तरह से परीक्षा में ना करें। आप परीक्षा में उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से आपको समझाया गया पहले। लेकिन ये तो हमने आपको केवल युगांतर नियम लगाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए ये आपको समझाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से किसी चार नियम में से जो युगांतर नियम की चार विधि बताएं, किसी और विधि लगाने के लिए और कुछ करना पड़ेगा, कभी हमें अंश माइनस हर करना पड़ेगा ऊपर अंश में, कभी चार विधि में से लगाने के लिए, तो वो आप जो है प्रश्न को देखकर तय करेंगे, निश्चय करेंगे कि कौन सा नियम लगाने में लाभ है, वही नियम आप लगाएंगे। हमारा उद्देश्य केवल आज ये है कि आपको ये बतलाना है कि अगर आपको दो भिन्न इस प्रकार से बराबर के निशान में लगी हुई हैं तो योगांतर नियम कितने प्रकार से लगाया जा सकता है, ये आपको इस पर अब लगाएंगे कौन सा नियम ये प्रश्न तय करेगा। चार नियमों में से कौन सा तरीका लगाना सरल है, किससे लाभ ज़्यादा रहेगा, ये तो प्रश्न को देख के मालूम करेंगे। लेकिन हम उन नियम को योगांतर नियम इसमें जो है चार प्रकार से लगा सकते हैं, ये आपको हमने बताने का प्रयास किया। आप समझ गए होंगे, आप इस पर विचार कीजिए और याद रखिए ये हाई स्कूल क्लास के छात्रों के लिए नहीं है, ये जितनी भी गणित से संबंधित छात्र हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हों, इंटर के हों, बीएससी के हों, एमएससी के हों, हर एक छात्र के लिए नियमों की जानकारी होना चाहिए। ये नियम बहुत ही उपयोगी नियम है। अब हम बात को यहीं पर विराम देते हैं, अगले वीडियो में आपको हम कोई और नई इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे। धन्यवाद।